पुलिस शोध बन गई। सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी के किसान ट्रैफिक का इंतजाम भी देख रहे हैं सड़कों पर, हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसी के भारतीय जनता की हालत खराब हो गई। अगर ट्रैफिक इंतजाम बड़ा ठीक चल रहा है, ट्रैफिक बहुत ठीक चल रहा है, मुझे लगा शायद पुलिस लगाई गई होगी इसकी वजह से ट्रैफिक ठीक चल रहा है, लेकिन जब मैं मोड़ से मुड़ा तो मैंने देखा बड़े पैमाने पर सांड घूम रहे थे। अभी तो ये हमारे खेतों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के सांड ट्रैफिक का इंतजाम भी देख रहे हैं सड़कों पर, और पता नहीं कहां से, ये तो हमारे पत्रकार साथी बेहतर बता सकते हैं, और जिलों में तो है ही है बहुत सांड, लेकिन आंकड़े बताते हैं, खबरें आपकी बताती हैं कि सीतापुर में भी कम नहीं, और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर हम खेत अपने किसान सुरक्षित कर रहे हैं, अगर किसान अपने खेत सुरक्षित कर रहे हैं तारों से, तो खेत तो थोड़े बहुत बचे जा रहे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे न जाने कितने किसान गरीब मजदूरों की इन सांडों से जान जा चुकी है। लोक जागरण ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी कहा गया कि पुलिस शोध बन गई, और एक अखबार ने लिखा चोर पुलिस। सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए कि अगर प्रतिष्ठित अखबार प्रतिष्ठित चैनल ये कहे कि पुलिस चोर है, चोर पुलिस है, और पुलिस के कारनामे अगर आप देखोगे, पुलिस के कैसे कारनामे हो गए आज तक। मैंने सुशी लखीमपुर में पढ़ी थी कि जो अभी तक 14,000 जो सरकार दावा करती है इनकाउंटर किए हैं, वो 14,000 के 14,000 इनकाउंटर फर्जी है सरकार के। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई हो, केवल फेक इनकाउंटर के लिए नहीं छूट दी गई है, बल्कि जाओ जितना वसूल सकते वसूल लो, और जब वसूलने से पेट भर गया तो आपने अखबारों में खबर पड़ी होगी कि यही पुलिस वाले लोग 50 किलो चांदी चुरा ली, और वो चांदी कहां मिली सोचिए आप, और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा, और जब हम पांच बार बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं इसी के भारतीय जनता की हालत खराब हो गई। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहां पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। यहां जितने लोग हैं जो टिफिन से खाना लेकर के गए होंगे स्कूल में, हालांकि पहले तो टिफिन नहीं चलती होगी पुराने जमाने के लोगों के समय पर, लेकिन जैसे जैसे तरह की खुशहाली हुई संपन्न लोग हुए तो बच्चे टिफिन लेकर के जाने लगे, और टिफिन के खाने में तभी मजा आए जब दूसरे का टिफिन खाओ। इसलिए मैं जानता हूं कि रामचंद्र राजवन जी ने शायद बूथ स्तर पर और किस तरीके से गांव का घर का वोट आपको निकालना है, तो वो तो टिफिन लेकर के आए हैं, लेकिन उनके ही टिफिन में कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी अगर कहीं हो रही है तो नेविस्तान में हो रही है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।